नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आर्या ग्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं श्याम सुंदर पालीवाल हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से हम IIT JEE फिजिक्स 2022 के नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा भी होगा, ये लेक्चर जो है मेरा इंट्रोडक्शन को लेके समर्पित हैं, ताकि आपके सभी शंकाओं का समाधान हो जाए और इनिशियली 2-3 दिन के अंदर अंदर आप ये डिसाइड कर पाएँ कि हमें IIT JEE का बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है। इस प्रकार की सभी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं ये इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आया हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, वो की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप दिख भी रहे होंगे। इनिशियली हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन सब्जेक्ट वाइज वेटेज, देन फैकल्टीज़ कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, और इस कोर्स के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फैसिलिटीज़ क्या क्या आपको मिलेगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम स्टडी मटेरियल का एक डेमो भी आपको देंगे कि हम जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं उसकी खासियत क्या है, दूसरों से कैसे अलग हैं और इस बैच में नया क्या है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करना चाहते हैं। इनिशियली मैं सिलेबस का एक ओवरव्यू आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वैसे आपको मिल जाएगा, सभी जो आप स्टडी मटेरियल देंगे उसके अंदर आपको सिलेबस ऑलरेडी इनबिल्ट लिखा मिलेगा, तो लेकिन फिर भी आप एक ओवरव्यू के तौर पे सिलेबस को ज़रूर रिव्यू कर लें। कौन कौन से पेपर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सबसे पहला है मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल सेक्शन आपको पढ़ना होगा। मोटा मोटी इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस, वेक्टर कैलकुलस, इसके अलावा कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव्स, और ये सब सेक्शन रहेंगे। जब आपको पढ़ाएंगे तब डिटेल में जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो सब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो एक पेपर रहेगा आपका मैथमेटिकल मेथड्स, दूसरा रहेगा आपका मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तीसरा सेक्शन है आपका ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, चौथा पेपर है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एज सच देखा जाए तो कोई नया पेपर इसमें नहीं होगा। अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स के अंदर जितने भी पेपर आप पढ़ते हैं वो सब उनकी एक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कुछ पेपर का वेटेज बहुत ज़्यादा होगा, कुछ पेपर का वेटेज कम होगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चार पेपर हो गए, मैथमेटिकल मेथड्स, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन वेव इन ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसको अपन EMT कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला सेक्शन। फिर है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडाइनमिक्स, नेक्स्ट है आपका मॉडर्न फिजिक्स, और है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये तीन तो इधर हो गए, और पिछले पेज पेपर ने चार पेपर डिस्कस किए थे, तो ये चार और तीन मिला के टोटल 7 पेपर में आपका IIT JEE का पूरा सिलेबस कवर होगा। अपने आर्या ग्लासेस के ऊपर जो फैकल्टीज़ हैं वो पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कौन कौन से पेपर कौन कौन सी फैकल्टीज लेंगी मैं उनका डिस्कशन करूँ उससे पहले, ताकि आपको फैकल्टीज़ का रोल समझ में आए, उससे पहले हम ये चाहेंगे कि आपको एक बार सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज IIT JEE के एग्ज़ाम में देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, उसका एक झांकी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये हमने आपके सामने वेटेज डिस्कशन के लिए रखा है। इधर 2006 आप देख पाएंगे क्लियरली, 2006 से लेकर 2020 तक, अभी तक कौन कौन सी सब्जेक्ट में IIT JEE के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आपको जो मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, जो असाइनमेंट DPPs आपको मिलेंगी, जिसकी होम डिलीवरी हम आपके घर तक करेंगे, उसमें भी होगा। तो आपको ऐसा इसको भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जो नोट करने की चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा, आप उसको नोट ज़रूर करें। तो इसमें मैकेनिक्स जो है अगर आप देखते हैं तो 2006 में 16 मार्क्स का था, फिर कभी 13 का भी है, 18 का है, 20 मार्क्स का भी है, हाईएस्ट 23 तक भी गया है, लोवेस्ट 19 तक भी पहुंचा है, 12 मार्क्स का भी पूछा गया है। ऑन एन एवरेज अगर देखते हैं पिछले इन 15 सालों का एवरेज कि मैकेनिक्स कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखें मैकेनिक्स कितने मार्क्स का होगा, 18.33, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैकेनिक्स कितने मार्क्स का होगा, 18.33, लगभग 18.5 या 19 नंबर आप मान सकते हैं, या 18 मान लें, 18 मार्क्स का सिर्फ मैकेनिक्स आपके आएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी EMT, जिसको मैंने कहा था
EMT वाला सेक्शन ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स का है? 17.8, इसको आप 17 मार्क्स कह सकते हैं। तो 17 नंबर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आता है। हाईएस्ट देखा जाए तो एक बार 25 नंबर का भी पूछा जा चुका है, 25 मार्क्स का भी EMT पूछा गया है किसी एक पेपर में। ये वेरी हो सकता है पर हम एवरेज के अनुसार चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से पेपर हैं उसका डिस्कशन में अभी आगे करने वाला हूँ, पर पहले एक सरसरी निगाह से आप ये देख लें कि मॉडर्न फिजिक्स जो है ऑन एन एवरेज 14.8, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का ये 15 मार्क्स का इसका वेटेज है। हाईएस्ट अगर देखा जाए तो 27 मार्क्स का भी हाईएस्ट एक बार मॉडर्न फिजिक्स पूछा है। लोवेस्ट देखा जाए तो 6 मार्क्स का भी मॉडर्न फिजिक्स पूछ लिया है। इसका मतलब आप सिर्फ एक पेपर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करके भी नहीं जा सकते, आपको 4 या 5 का कलेक्शन लेके चीज़ों को पढ़ना होगा और ये मान के चलना होगा कि मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ उसका कम आएगा तो फिर मैं कैसे अटेंड कर पाऊंगा पेपर, उसका भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाए MP, मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स है ये, और मैथमेटिकल फिजिक्स देखें तो आप एवरेज 11 मार्क्स का है, रिलेटिवली कम है। ये 15 का है, ये 17 का है, ये 18, 19 का है, तो ये 11 मार्क्स का ही है मैथमेटिकल फिजिक्स। हाईएस्ट अगर देखा जाए तो 14 मार्क्स का अभी तक पूछा गया है मैथमेटिकल फिजिक्स। फिर ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स, और ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स जो है ऑन एन एवरेज कितने का है? 12.4, 12.4 मार्क्स का ऑसिलेशन वेव इन ऑप्टिक्स पूछा जाएगा। इसके अंदर जब के ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक बार 2 मार्क्स का भी पूछा गया है, और हाईएस्ट अगर आप इसमें देखते हैं तो हाईएस्ट 18 मार्क्स का पूछा गया है। सो आप ये बहुत कम होता है कभी कि 2 मार्क्स का ही पूछा, अब ऐसा नहीं होगा, अब जो पेपर है बहुत वेल सेटल सेक्शन में आएगा तो ऑलमोस्ट एवरेज के पास ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाए थर्मल फिजिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स वाला जो सेक्शन है वो भी 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है ऑन एन एवरेज। हाईएस्ट देखा जाए तो 18 मार्क्स का पूछा हुआ है, लोवेस्ट देखा जाए तो 9 मार्क्स का भी पूछा हुआ है। यस, नेक्स्ट फाइनल पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर ये ऑन एन एवरेज 14 मार्क्स का है, और 14 मार्क्स में हाईएस्ट एक बार 20 मार्क्स का भी पूछा गया है, और लोवेस्ट देखा जाए तो 11 मार्क्स का, एटलीस्ट 11 का तो पूछा जाता ही है। ठीक बात है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पेपर का कितना वेटेज है। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपके मन में ऐसी चीज़ें भी हों, या फिर आपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में, कॉलेजेस में, जहाँ कहीं पे भी पढ़ा हो, कुछ अच्छे टीचर्स आपको मिले हों, तो कुछ सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं उससे आपको एक खुशी मिलेगी कि मेरा इस पेपर में अच्छा स्कोर मुझे करना है, एक आइडिया थोरली आपको लगेगा, प्लस आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे इसका भी आपको आइडिया मिले। तो ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज हुआ। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स 14 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है थर्मल फिजिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव ये भी 12 मार्क्स का है, 11 मार्क्स का मैथमेटिकल, मॉडर्न फिजिक्स आपका 15 मार्क्स, EMT आपका 17 मार्क्स, और मैकेनिक्स आपका 18 मार्क्स। समझ में आ गए? अब बढ़ते हैं अपन इससे आगे। अब मैं आपको फैकल्टीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं इस चीज़ की जानकारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखो टोटल इस बार जो हमने पिछले बैचेस से और इस बैच में नया क्या है, तो हमने इस बार दो पिछले साल की तुलना में इस बार 2 नए टीचर इंट्रोड्यूस किए हैं। न्यू का मतलब आपके लिए न्यू है, अदरवाइज उनका पिछले कुछ दरमियाँ वो पढ़ाते भी थे, इस बार से वापस से हम उनको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो 4 फैकल्टीज आपको ITGM का कोर्स पढ़ाएंगी। कौन कौन सी मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं मेरा नाम ही लिख रहा हूँ, SS पालीवाल। दूसरे हैं निखिल सर, तीसरे हैं सुदीप सर, और चौथे हैं ऋषिकेश सर, इन शॉर्ट में ऋषि सर लिख दे रहा हूँ। वैसे आप लोग इन सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स आपको आर्या क्लासेस के YouTube चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके इनके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगी। कौन कौन से टीचर कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे एक बार के लिए मैं इन शॉर्ट उसके बारे में भी आपको बता देना चाह रहा हूँ। तो मैंने फिलहाल इनको यहाँ लिया है, मैं इनको चलो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है ना, नाउ कौन कौन से टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे इसका भी एक ओवरव्यू दे दूँ। तो जैसे मेरे वाले सेक्शन की बात करूँ तो मेरे हिस्से में इस बार CM क्लासिकल मैकेनिक्स ये वाला सेक्शन में पढ़ाऊँगा। क्या इसका वेटेज है ये मैं आपको पिछले शीट पर बता चुका हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स के अलावा
ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ये वाला पूरा सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा. ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, डन. चलो मैं उसको सामने ही लिख देता हूँ. ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ये वाला सेक्शन भी मैं पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट अगर अपन और अगले सेक्शन की बात करें तो एक और चीज़ जो मैं इस बार पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स. तो मैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं हाफ लिख दे रहा हूँ, हाफ मॉडर्न फिजिक्स, हाफ मॉडर्न फिजिक्स. ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मैं लेक्चर्स की भी बात कर लेता हूँ कि मैं कितने लेक्चर लूँगा इस पूरे कोर्स के दरमियान. तो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो सेक्शन है वो आपका ऑलमोस्ट 60 लेक्चर्स इसके डिमांड है, 60 लेक्चर इसमें लगेंगे. ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स पिछली बार हमने थोड़े कम लिए थे, इस बार थोड़े ज़्यादा रखा है हमने टारगेट. 40 लेक्चर्स आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, प्लस आधा जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा उसके 25 लेक्चर्स होंगे, और ये मिला के 125 टोटल लेक्चर्स मैं आपके इस बेच के अंदर टोटल लूँगा. हर लेक्चर 1.5 डेढ़ घंटे का होगा, 1.5 आवर का, क्लियर. दूसरे बात जाइए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे निखिल सर की, कि निखिल सर क्या क्या लेने वाले हैं. सो निखिल सर का पहला जो फेमस पेपर जो लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, देन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, देन थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मो लिख रहा हूँ मैं सिंपल, और हाफ मॉडर्न फिजिक्स, आधा जो मॉडर्न फिजिक्स हैं मेरे साथ में निखिल सर लेंगे. अब कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या है मैं इस बात का जिक्र भी आपके सामने करूँगा, और इवन अपन यही डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए ठीक रहेगा. मॉडर्न फिजिक्स जो है उसके अंदर टोटल चार टॉपिक है. एक है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, पूरा मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आपके जनरली जहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट मान के चलिए कि थर्ड ईयर में आता है मॉडर्न फिजिक्स है. उसमें आपका पहला पार्ट जो सबसे ज़्यादा वेटेज का है दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स. दूसरा इसके अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. नेक्स्ट इसके अंदर कुछ सेक्शन न्यूक्लियर फिजिक्स का भी है, और कुछ सेक्शन इसके अंदर एटॉमिक फिजिक्स का भी है. समझ में आ गई? तो इसके अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मैं पढ़ाऊंगा, और क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स वो आपको निखिल सर पढ़ाएंगे. समझ में आ गई? ये चारों मिला के आपका मॉडर्न फिजिक्स है जो कि आपको अलग अलग पेपर में देखने को मिलेंगे अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स में. ये बात होगी दोनों की. नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुदीप सर की. सुदीप सर सबसे बड़ा पेपर लेने जा रहे हैं एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि ऑलमोस्ट 18 मार्क्स का आता है. ठीक है, लेक्चर्स की भी बात कर लेता हूं मैं. तो अगर निखिल सर के लेक्चर्स की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स दोनों मिला के ये 45 लेक्चर्स के अराउंड होंगे. थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये भी 45 लेक्चर्स के अराउंड होंगे, और आधा मॉडर्न फिजिक्स निखिल सर के पास थोड़ा ज़्यादा सेक्शन है तो वो 35 लेक्चर्स होंगे, और इनका भी अगर टोटल करते हैं तो 125 लेक्चर्स इनके होंगे. समझ में आ गए? तो 125 लेक्चर्स मेरे होंगे और 125 लेक्चर्स किसके होंगे? निखिल सर के होंगे. डन. फिर आ जाते हैं अपन सुदीप सर की बात करें, तो सुदीप सर एक ही पेपर ले रहे हैं और वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इनके जो लेक्चर्स हैं वो हैं 70 लेक्चर्स. सभी लेक्चर 1.5 इट मीन्स 90 मिनट्स के होंगे, डेढ़ घंटे के होंगे. हमेशा 3 घंटे की आपकी क्लास चलेगी, संडे के दिन 4 घंटे की चलेगी. डेली आपका 3 घंटे का क्लास चलेगा, संडे के दिन आपकी 4 घंटे की क्लास चलेगी, और इस क्लास के अंदर डेढ़ घंटे की एक क्लास, डेढ़ घंटे की दूसरी क्लास, बीच में आपको 10 मिनट का समय मिलेगा. 70 लेक्चर्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सुदीप सर लेंगे. देन उसके बाद ये थोड़ा वेटेज वाला पेपर है तो इसके अंदर इटसेल्फ हमने सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं इसके अंदर लेक्चर्स हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स में भी ज़्यादा लेक्चर लिखे हैं हमने, और ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर भी ज़्यादा है. इसके अलावा अगर आप 35 और 25 इन दोनों को भी ऐड करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में भी ज़्यादा लेक्चर्स हमने रखे हुए हैं वेटेज के हिसाब से. नेक्स्ट आ जाते हैं ऋषिकेश सर. ऋषिकेश सर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाएंगे, और मैथमेटिकल फिजिक्स के ऑलमोस्ट 40 लेक्चर्स आपके होंगे. ठीक है ना, जिसका वेटेज 12 मार्क्स का है, 14 लेक्चर्स इसके होंगे. तो 40 लेक्चर्स के अंदर मैथमेटिकल में क्या क्या सेक्शन हैं वो आपको देखने को इसमें मिलेंगे. सो ये बात तो हो गई कि कौन कौन सी फैकल्टी हैं. फैकल्टीज़ के डेमो आप यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
कौन कौन से पेपर पढ़ाएंगे, कितने लेक्चर्स में ये सब कुछ होगा। तो अगर आप 125 आई थिंक इट 250 और 70 और 40 इन सबको आप क्लब करेंगे तो आई थिंक दिस शुड बी 360 अराउंड 150 प्लस 1 and 10 250 तो आई थिंक 360 यस 360 इंटू 1.5 आर का एक लेक्चर इसमें होगा। सो 360 इंटू 1.5 सो आई थिंक इट गोज़ टू 540 और पर डे 3 घंटे की क्लास होगी। बीच में कुछ छुट्टियां भी होंगी जैसे दिवाली की या रक्षाबंधन या फिर ये सब चीज़ें भी अगर अपन इंक्लूड करें तो 540 तो मैं ऑन एन एवरेज 3 घंटे की क्लास दे रहा हूँ। जो संडे का 1 घंटा एक्स्ट्रा है वो दूसरों को कंपनसेट करने के लिए सो डिवाइड बाय 3 करूँ तो ये आता है 180 डेज। तो 180 डेज में आपका कोर्स पूरा होगा। 180 डेज 1 महीने में 30 दिन और 180 डेज का मतलब 6 मंथ्स कोर्स आपका होगा। सो जुलाई में अपन स्टार्ट करें इनिशियली तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 31 दिसंबर अपने सिलेबस का आखिरी दिन होगा। 31 दिसंबर तक अपना IITJM का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन जैसा कि मैंने आपको इसके अंदर पहली शीट पे भी बता दिया था तो मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया है आपके साथ में। सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कौन कौन सी फैकल्टीज पढ़ाएंगी ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट अपन अगले सेक्शन पे आते हैं दैट इज़ फैसिलिटीज़। आपको इस पूरे कोर्स के दौरान फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेगी उस फैसिलिटीज़ का भी मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ। वैसे जो संजय सर ने एक बार आपको इसके बारे में बताया भी है पर मैं एक बार मोटा मोटी जिक्र कर लेता हूँ ताकि आपके डाउट जो हैं वो सब क्लियर हो जाए। फैसिलिटीज़ को लेकर क्या क्या इसमें मिलने वाला है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको बार बार कॉल करके पूछना ना पड़े, ठीक है ना। सो इसमें 3 टाइप के प्रोग्राम हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं IITJM के फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के कोर्सेज के अंदर। 3 टाइप के प्रोग्राम क्या हैं, सबसे पहला ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब पिछले साल के सेशन के जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आपको एग्ज़ाम तक उनका एक्सेस फ्री मिलेगा और वो भी आप देख सकते हैं। इनकी जो फीस है वो रहेगी 15,000 रुपये, ठीक है ना। दूसरा प्रोग्राम है आपका, दूसरे प्रोग्राम के अंदर लाइव ऑनलाइन क्लासेस और लाइव ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस है वो है 20,000 रुपीज़ फीस है लाइव ऑनलाइन क्लासेस की, ठीक है ना। तीसरा, अब लाइव ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इससे आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा उस बात को भी समझ लें। सबसे पहली बात, आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस जितने भी हैं जूम ऐप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, दोनों साइमल्टेनियस अरेंजमेंट के साथ आपकी क्लासेस चलेंगी। पहली बात तो ये लाइव क्लासेस होंगी, साथ में आपको प्री रिकॉर्डेड पिछले साल के लेक्चर भी मिलेंगे और इस साल के तो मिलेंगे ही, दोनों मिलेंगे। इट मीन्स मैं सिंपली रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिख दे रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम तक आपके रहेंगे। जब भी IITJM का एग्ज़ाम हो चाहे थर्ड वेव से आगे चला जाए, फोर्थ वेव से भी, तो भी जब तक एग्ज़ाम है तब तक आपके पास रहेंगे। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो आपको होम डिलीवरी होगी इसकी आपके घर तक फ्री, इसी के अंदर इंक्लूडेड स्टडी मटेरियल जो भी है हमारा वो आपको अभी उसका डेमो दिखाऊंगा मैं स्टडी मटेरियल कैसा है। स्टडी मटेरियल वो आपको घर तक मिलेगा, प्लस इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी फ्री होगी, इसमें आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की जो DPPs और असाइनमेंट हम देंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। साथ में टेस्ट सीरीज़ जो है, अब टेस्ट सीरीज़ का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको आगे इसका जिक्र करूँगा। जैसे मैंने कहा कि 31 दिसंबर को हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज़ क्या है, 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक, ध्यान दें सभी, 1 जनवरी से 30 जनवरी तक, सबका अलग अलग चार्जेस नहीं, सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन टेस्ट होगा, मीनिंग 1 तारीख को होगा, फिर 2 को छोड़ के 3 तारीख को, फिर 4 को छोड़ के 5 तारीख, ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होगा, जिसके अंदर टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हैं। ऑसिलेशन वेव ऑप्टिक्स 1 हैं, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स 1 हैं, मैकेनिक्स, EMT, थर्मो काइनेटिक थ्योरी, मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे मिला के 7 सब्जेक्ट हैं। तो 7 तो होंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट,
सात तो क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एक महीने 30 दिन है, सात तो हो गए, आठ आपके मेजर टेस्ट होंगे। मेजर टेस्ट मतलब फुल टू फुल जो सिलेबस है, क्योंकि आप 31 दिसंबर तक पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, तो पूरे सिलेबस के 8 टेस्ट होंगे, और सभी टेस्ट के दिन में टेस्ट होंगे, शाम को इसका रिजल्ट आएगा, और अगले दिन सभी टेस्ट के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चल सके, आप रिव्यू कर सकें कि मैंने जो टेस्ट दिया है इस टेस्ट के अंदर मैंने कौन से क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिक्कत किया है, या मैंने किसी अलग तरीके से किया है और यहाँ किसी अलग तरीके से हैं, तो मेरे रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, पूरा रिसर्च आप उसके ऊपर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें मिलेगा। इसके अलावा वीकली टेस्ट भी होंगे, जो थ्रू आउट आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके रिवीजन के लिए। साथ में स्टडी मटेरियल के अंदर वैसे भी आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे होंगे, लेकिन टेस्ट के अंदर, इसके अंदर एक और चीज जो मैं लिख दे रहा हूँ, वीकली टेस्ट भी होंगे। वीकली टेस्ट मतलब एक वीक के अंदर आपने जो भी पढ़ा है संडे को, उस पूरा जो कंटेंट आपने पढ़ा है उस पे आधारित एक टेस्ट होगा, जो कि IITJM के पैटर्न का होगा। ध्यान रहे, सब के सब जो टेस्ट है वो IITJM पैटर्न पे ही होंगे, ठीक है ना। वीकली टेस्ट होगा और एक टेस्ट और होगा, ये वीकली टेस्ट माइनर टेस्ट होगा। माइनर टेस्ट का मतलब आपको 20 क्वेश्चन का ही टेस्ट मिलेगा, 20 क्वेश्चन उसमें होंगे। जैसे IITJM के पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो उसका 1/3, 3 घंटे का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आपको 1 घंटे का पेपर मिलेगा, और उस 1 घंटे के पेपर में आपको वीकली 20 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब टाइम मैनेजमेंट में आपकी प्रैक्टिस अच्छा करवाने के लिए वीकली टेस्ट। इसके अलावा मंथली टेस्ट भी होंगे। मंथली टेस्ट कैसे, पूरा महीना हो गया तो पूरे महीने में जो भी पढ़ाए हैं उसका एक मेजर टेस्ट होगा। ये तो माइनर टेस्ट हो गया है, दिस वन इज माइनर। माइनर मतलब 20 क्वेश्चन ही आएंगे उसमें, और मेजर, और मेजर का मतलब 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपको, 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो ऑफिशियली IITJM के पैटर्न का जो होता है वो। सो मंथली टेस्ट और मेजर टेस्ट ये होगा। ये सब आपको मिलेगा किसके अंदर, इस लाइव ऑनलाइन क्लासेस वाला जो पैकेज है 20,000 रुपीज़ का अंदर। अब ये सब की सब फैसिलिटीज और प्लस वन मोर, तीसरा पैकेज जो मैं बता रहा हूँ, दैट इज ऑफलाइन बैचेस प्लस ऑफलाइन बैचेस। ऑफलाइन बैचेस की जो फीस रहेगी वो फी रहेगी आपकी 21,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो, और आप ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन बैचेस में आके बैठ सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन बैचेस में जो भी होंगे उन सबको प्री रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस जो हैं वो सब भी आपको मिलेगी। किसी दिन नहीं आ पाए तो आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, साथ में आप ऑफलाइन में भी आके बैठ सकते हैं। इसके अलावा तो ऑफलाइन में डाउट डिस्कशन करना थोड़ा इजी गोइंग रहता है, ये आप जानते हैं। ऑफलाइन तभी शुरू होगा जब गवर्नमेंट की परमिशन होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। दूसरा, ये जो सेक्शन हम ले रहे हैं, इसके अलावा जो भी ऑथेंटिक फीस सबमिट करके पढ़ने वाले जो लोग होंगे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिसके अंदर आपके किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट होगा आप क्वेश्चन को वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। जितने भी धीर धुरंधर वहाँ होंगे वो सब उसका सोल्यूशन करेंगे। नहीं होता है अगर किसी से और आपको नहीं समझ में आता है, फिर वो क्वेश्चन आप क्लास के अंदर उसका डिस्कशन ज़रूर होगा। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल का हार्ड कॉपी आपके पास आएगा, और सॉफ्ट कॉपी भी हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर उसकी PDF अपलोड होगी। टेस्ट पेपर जो है वो भी, जैसे टेस्ट पेपर होगा एप्लीकेशन के अंदर उसकी PDF मिलेगी, उस सॉल्यूशन का PDF भी एप्लीकेशन में ही मिलेगा, वहाँ से आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। समझ में आ गई बात। अब कोई भी क्वेश्चन जो आप WhatsApp ग्रुप में पोस्ट करेंगे, अगर ग्रुप में किसी से सॉल्व नहीं होता है तो वो टीचर आपको, कंसर्न टीचर, सब्जेक्ट टीचर जो भी हैं वो आपको क्लास में आके वहाँ पे डिस्कस कर लेगा। समझ में आ गई बात। ये पूरा फी स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं वो सब मैंने आपको इसमें डिस्कस कर ली है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपके भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हुए या कोई भी जो IITJM का बैच ज्वाइन करना चाहता है या जो लाभ लेने चाहते हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दें, और कोई भी आपसे भी प्रश्न पूछता है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। दूसरा, आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल में जो एडवांस प्लेटफॉर्म है,
उसी टाइप का प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन सुपर फ्लुएंसी के साथ सब फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं। एप्लीकेशन के रिव्यू आप प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन के रिव्यू भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सक्सेसफुली हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ें रन कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो जो आप चाहेंगे कोई मॉडिफिकेशन तो भी वो हम विद टाइम ला सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने एजेंडा रखे थे उन एजेंडा में हमने फैसिलिटीज़ भी डिस्कस कर ली है। लास्ट आखिरी चीज़ जो डिस्कस करनी है दैट इज़ स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल का एक डेमो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, जिससे आपको क्लासेस को पढ़ने से दौरान जो समस्याएं आने वाली हैं वो भी हम उसमें डिस्कस कर पाएंगे। इसके अलावा आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो आगे की जो भी क्लासेस रहेंगी उसमें सब्जेक्ट टीचर आपके वो सभी डाउट क्लियर कर देंगे। अदरवाइज़ आर्या क्लासेस के जो हेल्पलाइन नंबर हैं उन पे भी कॉल करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है ऑफिस आवर्स में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, आपके सभी शंकाओं का समाधान होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टडी मटेरियल की मैं बात करूँ। स्टडी मटेरियल का जैसे मान लो मैंने एक मॉड्यूल आपके सामने लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी EMT वाला जो मॉड्यूल है उसका एक डेमो पर्पस, ताकि आपको पता चले कि स्टडी मटेरियल में हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का ये फ्रंट कवर है, ये सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि कौन सी सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। ये भी आपको हर मॉड्यूल के अंदर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगला ये पेज भी आपको हर मॉड्यूल के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें हमने नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी IIT में कितनी सीट है, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके मॉड्यूल के अंदर सभी इन्फॉर्मेशन हार्ड कॉपी में आपके पास होगी। जैसे IIT भिलाई, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, जैसे बॉम्बे में जनरल की 24 सीट्स हैं IIT फिजिक्स की, और दिल्ली के अंदर 28 सीट हैं, EWS की कितनी है, OBC, SC, ST और टोटल कितनी है, वो सब भी हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो ये सीट्स कितनी हैं वो आपको यहाँ से मिलेगा, जो कि लेटेस्ट ब्रोशर से निकाल के ही लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगले वाले पे आ जाएं, कट ऑफ ट्रेंड, कि लगभग IIT का जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें कट ऑफ कितना जाता है। तो हमने यहाँ पर पिछले 5 वर्षों का कट ऑफ आपके सामने लिखा है, 2016, 17, 18, 19 और 20 सबका कट ऑफ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखते हैं तो जनरल का कट ऑफ 21.70, 24.99, 17, 14, 18, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के आसपास जनरल का कट ऑफ जाएगा। जो लोग कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लेके आएंगे, निश्चित तौर पे उनको IIT, MNIT ज़रूर मिलेगा। IIT ना मिले, IIT फिर आपकी रैंक के ऊपर मिलेगा। अच्छा NIT है, MNIT है, वो सब आपकी रैंक के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी आपको आगे मैं बताऊँगा, पता चल जाएगा आपको। सो जनरल कि ये कट ऑफ रहती हैं, OBC का कट ऑफ 19, 22, 15, 13, 16, तो ऑलमोस्ट ट्रेंड देखें, एक बार 22 रही है जब इसकी 24 थी, तो 3 मार्क्स जो है जनरल से पीछे रहेगा OBC का कट ऑफ। SC, ST और PWD कैटेगरी तो 10, 20, 8, 7, 9, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स आपका इनका कट ऑफ रहेगा। सो कट ऑफ क्लियर करना बहुत ईजी गोइंग है, आप अगर अच्छा स्कोर करेंगे। अब फिर आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि 20 मार्क्स प्लस अगर हम स्कोर भी करते हैं तो उसके बाद और आगे कितना स्कोर हमें करना चाहिए जिससे कि हम अच्छी कोर IITs जो हैं उसके अंदर जा सकें। तो इसके लिए भी हमने आगे आपके सामने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, JEEM 2020 सीट अलॉटमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। किस रैंक पे आपको कौन सी IIT मिलती है, जनरल की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक लिखा है हमने, ओपनिंग आगे फिर बाद में क्लोजिंग रैंक है। EWS की, OBC की, SC, ST सबकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक लिखे हुए यहाँ पर हैं। जैसे आप अगर IIT बॉम्बे की बात करूँ, मैं फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, IIT बॉम्बे में जो फिजिक्स का पेपर है उसमें ओपनिंग रैंक थर्ड, वहाँ से शुरुआत हुई थी, थर्ड टॉपर जो था उसने IIT बॉम्बे चूज़ किया था और 39 तक जनरल के 39 तक वो क्लोज हो गया था, 40 रैंक भी है तो उसको IIT बॉम्बे नहीं मिला था। ये मैं बात कर रहा हूँ IIT बॉम्बे की 2020 की, ठीक है, 2020 के अंदर क्या रहा था। वैसे EWS की बात करें तो 47 to 50, OBC की बात करें तो 41 to 156, मतलब OBC में किसी का 150 रैंक भी है तो उसको IIT बॉम्बे मिला। वैसे अगर SC की बात करें तो SC में 553 रैंक के तो उसको भी IIT बॉम्बे मिला था, और अगर ST की बात करें तो 2286, लगभग 2300 रैंक के आसपास भी आपको IIT बॉम्बे मिला था। तो ये IIT बॉम्बे का मैंने एग्जांपल लिया है। वैसे जो भी 19 IITs हैं उन सब की अगर आप बात करें तो उन सब के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पर लिखे हुए हैं, किसी का ऊपर। वैसे हमने ऑर्डर वाइज जमा रखा है कि लास्ट कौन सा मिला है, तो अगर कोई
जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर लास्ट रैंक की बात करें तो 614, या अगर यहाँ की बात करें तो 627, मतलब 600 रैंक तक अगर आपके पास है तो आपको IIT मिलना तय, 600। तो जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं वो ध्यान रखें कि आपका टारगेट 600 रैंक तक होना चाहिए, समझ में आ गए। दूसरा EWS कैटेगरी के अंदर अगर अपन बात करें तो 1057, 1000 से ऊपर आपका रैंक अगर है तो आपको EWS कैटेगरी में है तो आपको IIT मिलेगी, श्योर है आपको IIT मिलेगी। OBC की बात करें तो ये 1089, मतलब 1100 रैंक तक है, तो EWS और OBC में से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर ये इसके 1000 है तो इसके 1100, इतना सा फर्क है। नेक्स्ट SC कैटेगरी की बात करें तो 3500, 3500 रैंक तक अगर आपका रैंक है तो आपको IIT मिलेगा, और इसमें 5454, वहाँ तक भी अगर आपका रैंक है तो आपको IIT मिलना श्योर है। तो आपको स्वयं को बताइए आपका पोटेंशियल कितना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब आप यहाँ से देख पाएंगे। तो ये एक आपके मन के सभी संशय दूर करने के लिए कि क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं, और यहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, इससे लेके सभी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद मॉड्यूल, जैसे मान लो मैंने EMT का, ये सब मॉड्यूल में आपको मिलेगा, आपको इसको कोई नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, सभी आपको मॉड्यूल में ये सब चीज़ें मिलेंगी। दूसरा, जैसे मान लो ये आपका EMT का मॉड्यूल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले हम वहाँ सिलेबस इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सिलेबस कैसा, तो अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी JEST में क्या सिलेबस है, IIT JEE में क्या है, CSIR NET में क्या है और GATE में क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सिलेबस क्या है, ताकि आप ये देख पाओ कि हम IIT JEE के साथ में JEST, NET और GATE में से कितने एग्जाम की तैयारी हो रही है, वो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट सिलेबस पहला हो गया डिस्कशन, जिसमें हर मॉड्यूल में उस सब्जेक्ट का इन चारों एग्जाम के अंदर क्या क्या कंटेंट पूछा गया है वो आपको कॉमन उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाएंगे अपने शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स में हमने सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड जो की मोमेंट्स और की फॉर्मूला जो है, सिर्फ फॉर्मूला क्विक रिवीजन के लिए हमने लिखा हुआ है, अदरवाइज जो डिटेल थ्योरी है वो आपको वैसे भी लेक्चर्स में पढ़ाई जाएगी, तो मैं नहीं मानता कि उस डिटेल थ्योरी को आपको देने की आवश्यकता है, अदरवाइज हम रेफरेंस बुक्स बताएंगे, हर सब्जेक्ट टीचर आपको रेफरेंस बुक बताएगा, तो डिटेल थ्योरी आपको वहाँ से मिलेगी। क्विक रिवीजन फॉर्मूला जो है, जो हम पूरे कंटेंट में पढ़ाएंगे, उन सब को समराइज करके हमने नोट्स में लिखा हुआ है। जैसे EMT के अंदर आपके पास कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, डाइपोल, कैपेसिटर, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, मैग्नेटोस्टेट, इंडक्शन, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर स्केलर वेक्टर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम, तो ये सभी टॉपिक के जो फॉर्मूलाज हैं वो 10 पेज के अंदर, देखिए आप अगर आप ध्यान देंगे 9 पेज के अंदर, सिर्फ 9 में से भी शुरुआत कहाँ से हो रही है, सेकंड पेज से हो रही है, मीनिंग सिर्फ 8 पेज के अंदर आपको इन सब के वो सभी इंपॉर्टेंट की फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। उसके बाद इन सभी टॉपिक के जो फॉर्मूले में लिखे हैं, इन सभी टॉपिक के आपको असाइनमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें पिछले 10 सालों में इन चारों एग्जाम में JEST, IIT JEE, CSIR NET और GATE टॉपिक वाइज, इन एग्जाम में टॉपिक वाइज, वापस बता रहा हूँ मैं, ध्यान दें, टॉपिक वाइज कूलॉम्स लॉ लेंगे हम तो कूलॉम्स लॉ में आज दिन तक पिछले 10 सालों में IIT JEE, JEST, NET, GATE इन सब में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको एक ही साथ मिलेंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, आप बहुत आसानी से इस बात का आइडिया लगा सके, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको इस पे डिस्कस कर लेता हूँ, इन चारों का सिलेबस है, देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स हैं, कूलॉम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन उसके बाद आगे जो टॉपिक्स लगा रखे हैं हमने, ये 9 पेज तक आपको स्टार्टिंग के फॉर्मूले हैं, सब फॉर्मूले दे रखे हैं, इसके लिए वेक्टर पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम सब का, देन उसके बाद हमने क्या रखा है, असाइनमेंट शुरू हो रहा है, सबसे पहला असाइनमेंट किस टॉपिक के ऊपर है, तो टॉपिक है आपका कूलॉम्स लॉ। अब अगर आप इस असाइनमेंट कूलॉम्स लॉ के ऊपर ध्यान देते हैं, तो इसके अंदर देखो ये JEE फिजिक्स 2005 में कूलॉम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फिर JNU 2010 इस पर पूछा गया है, GATE 2011, देन उसके बाद GATE 2015, JEE 2005, JEE 2015 इन सब के अंदर, फिर आगे अपन बढ़े, सो NET दिसंबर 2012, NET जून 2016 इसमें पूछा गया है, तो ओवरऑल 8 क्वेश्चन हमने कूलॉम्स लॉ के ऊपर टॉप क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैसे ही अगले मॉड्यूल्स पे जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल,
सब के सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और उन सब क्वेश्चंस की ध्यान दें, सभी क्वेश्चंस की जो सॉफ्ट कॉपी है वो हमारे पास रहेगी। आपके पास हार्ड कॉपी भी रहेगी, सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन में रहेगी, यहाँ पे इनबिल्ट स्मार्ट बोर्ड के अंदर भी रहेगी, ताकि क्वेश्चन डिस्कशन में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ना आने का मतलब इसकी हार्ड कॉपी आपके पास है, आप सीधा वर्बली या कमेंट कर भी नॉर्मल आप क्वेश्चन पूछोगे, सर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ है हमसे, जो भी टॉपिक पढ़ाया मॉड्यूल आपके पास होंगे, मॉड्यूल आपके पास होंगे जैसे ही, तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया 5, तो खटाक से यही क्वेश्चन होगा, यहीं से डिस्कस करना बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। इसलिए आपको हमने जितना पॉसिबल हो सके सर्व सुविधा युक्त बैच की फैसिलिटी आपको देने का प्रयास किया है, और हम भी ये कोशिश करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि रणबेरी बच चुकी हैं, हमने बैच शुरू कर दिया है, नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, बिना समय व्यर्थ किए इधर उधर की बातें किए बिना, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र बैच ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक महीने आप डिसीजन लेने में ही लग जाए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। क्विक डिसीजन लें, संपूर्ण विचार करके और बैच से जुड़ें, ताकि आपका एक दिन का दो दिन का नुकसान ना हो। मान लो आपने 5 दिन बाद ज्वाइन किया या 10 दिन बाद ज्वाइन किया, पर डे 3 घंटे की क्लास चलेगी, तो 10 दिन बाद करने का मतलब 10 दिन अगर आप रेगुलर 3-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तब जाके साथ में कवर कर पाओगे। आज का काम कल पे ना डालें। ऐसा नहीं कि हमारे पास प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैं विशेष करके हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, टेक्नोलॉजी का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो आपको आलसी बना रही है। आप क्योंकि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, तो कोई छोटा मोटा प्रोग्राम जिसमें आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी आप इस बात को सोच के चले जाते हैं कि क्लास तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ, जो आपको बाद में जाके बहुत बड़ा नुकसान देती है। प्री रिकॉर्डेड के अंदर सबसे बड़ी ड्रॉबैक कि आप करंटली डाउट नहीं पूछ सकते हैं, करंटली जो छोटा सा डाउट है उसका भी समाधान आपका नहीं होता है, और फिर आप उस डाउट को हमेशा के लिए कैरी करते हैं। लाइव क्लासेस, लाइव इज ऑलवेज लाइव। अब 2011 का फाइनल मैच जिसने लाइव देखा, MS धोनी ने जो छक्का जड़ा वो जिसने लाइव देखा, उस आनंद की अनुभूति अब नहीं हो सकती अगर आप अब भी देखते हैं तो। समझ में आ रही? युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, जिसने लाइव देखे होंगे वो आनंद अब आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो कोई भी क्लास हो, कोई भी चीज़ हो, लाइव इज ऑलवेज लाइव। इसलिए मैं आपसे कोशिश करूँगा कि पूरे साल, पूरे बैच के दरमियान आप लाइव रहें। लाइव रहने से आपके डाउट भी लाइव रहते हैं, और डाउट बहुत आसानी से क्लियर हो सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर, मैं चाहता तो अभी कोई एक टॉपिक भी शुरू कर सकता था, लेकिन फिर वही है कि आप पढ़ना शुरू करते हैं तो बार बार वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको बीच में आता। इसलिए आज पहला दिन है, और पहले दिन पे हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। मैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, मैं कितने घंटे क्लास लूँगा ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, कितने लेक्चर लूँगा ये मैं आपको कर चुका हूँ क्लियर, ठीक है ना। इनिशियली अभी क्योंकि कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हो रखे हैं, तो हम टाइम को लेके थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अदरवाइज कॉलेज स्टार्ट हो जाने के बाद आपका जो रेगुलर टाइम है वो 7 to 10 AM रहेगा। जब भी रेगुलेटरी फ्लुएंसी आ जाएगी तब हम 7 to 10 AM 3 घंटे की पर डे आपकी क्लास चलेगी, ये बात आप निश्चित तौर पे मान के चलें। हर संडे को आपकी क्लास 4 घंटे की चलेगी 8 से 12, ठीक है, 8 AM to 12 PM, ये आपको आपकी संडे को क्लास का टाइमिंग रहेगा। उसके बाद फिर 2 घंटे का ब्रेक देके हम टेस्ट रखेंगे, और टेस्ट का स्कोर संडे शाम को आपको बता दिया जाएगा, और मंडे मॉर्निंग में उस टेस्ट के सॉल्यूशन आपके एप्लीकेशन में उसकी PDF आ जाएगी। तब आप अपने ऊपर खुद रिसर्च कर सकते हैं कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और किस दिशा में मैं गलत जा रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी बैच ज्वाइन करें तो आपकी पढ़ाई रेगुलराइज हो जाएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने के अपने ये फ़ायदे होते हैं, इसलिए हम आपका कल्याण चाहते हैं, और इसीलिए हमने बिल्कुल सही समय पर, अब क्योंकि IIT JEE का एग्ज़ाम है, ये कोई छोटा मोटा पटवारी या कांस्टेबल या इस प्रकार का छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और बड़ा एग्ज़ाम
बड़े सपने बड़े संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही सच होते हैं। इसलिए कमर कस लें, कमर कस लें। अगर इतिहास रचना है, इतिहास में अपना नाम लिखना है, तो कमर कस लें और बेच ज्वाइन करके संघर्ष की शुरुआत कर दें। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि मेरे द्वारा कही गई सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा आपका समय व्यर्थ किए बिना। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आप, तो हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा बैच ज्वाइन करने के बाद, उसमें आपके सभी सब्जेक्ट टीचर्स उसमें होंगे और मैनेजमेंट टीम के लोग भी उसमें रहेंगे, तो सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान आपको उसमें हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहें, कमर कस लें, पढ़ने का काम। इनिशियली एक और बात बताता हूँ, मेरी जैसे मैंने आज क्लास ली है, अब मेरी अगली क्लास कुछ दिनों बाद होगी, मतलब मिनिमम एक वीक बाद होगी, मिनिमम बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये 10 दिन बाद भी हो, पर मेरी क्लास एक वीक के बाद होगी। तब तक आपको सुदीप सर, निखिल सर, ऋषिकेश सर, ये तीनों लोग आपकी इनिशियली क्लास शुरू करेंगे। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन देना था तो मैंने सोचा कि यार घंटे भर का मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक बार पूरे बेस का, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ। और आगे की जो भी मेरी क्लासेस होंगी वो आफ्टर 1 वीक होगी, तो संयम रखें, धैर्य रखें, और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको सीरियसली 1st day से पढ़ना शुरू रखें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सब समझ में आएगी, कोई भी शंका हो हेल्पलाइन पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। सो चलिए आज विदा लेते हैं हम, कल से मॉर्निंग 7 to 10, 7 to 8:30 तक निखिल सर की क्लास होगी और 8:30 to 10 तक सुदीप सर की क्लास होगी। सो तैयार हो जाएं, कमर कस लें, रणभेरी बज चुकी हैं, आगाज हो चुका है। सो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, निरंतरता सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी कसौटी है और इस पे आपको खरा उतरना होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं फिनिश कर दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद।